नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना श्रवण इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे बात करने जा रहा हूं राजस्थान बोर्ड के हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में टॉप स्कूलों में से एक स्कूल आपका अपना केवीएम कृष्णा विद्या मंदिर, जो 6 से 12 तक हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम रन करता है। 11-12 में साइंस, आर्ट्स, एग्रीकल्चर तीनों स्ट्रीम हिंदी इंग्लिश मीडियम में अलग अलग चलते हैं। दोस्तों, मैंने कहा टॉप स्कूलों में से एक स्कूल, ये मैं शब्दों से नहीं करना चाहता, आंकड़ों की बात करता हूं। ये रिजल्ट हमारे 10th क्लास का है, रिजल्ट 2023। मैं केवल आपसे रिजल्ट 2023 की बात करूंगा। 95% से ऊपर 14 बच्चा, 90 से ऊपर 51 बच्चा, 89 से ऊपर 69 बच्चा और 80 से ऊपर 152 बच्चा आपके सामने। दोस्तों, लगभग 10th क्लास में हर तीसरे बच्चे के 80% है। 12th साइंस की बात करें, 95 से ऊपर 4 बच्चा, 90 से ऊपर 72 बच्चा, 80 से ऊपर 463, आप संख्या देखें 463, यानी यहां भी हर चौथा बच्चा अबव 80% है। यानी केवीएम के 10th में हर तीसरा बच्चा अबव 80% है, 12th में हर चौथा बच्चा अबव 80% है। ये हमारी संस्था का, राजस्थान बोर्ड का 2023 का परिणाम है। एक बार पूरी टेबल को आप फिर देख सकते हैं। गार्जियन, ये रिजल्ट की बात हुई, और रिजल्ट बनता कैसे है तो वो स्पष्ट कहता हूं। केवीएम का जो मैनेजमेंट है, जो वर्किंग ऑपरेशन है, वो वैसा ही है जैसा हम सीएलसी में चलाते हैं। पार्ट टेस्ट, माइनर टेस्ट, सेमेजर टेस्ट और सेशन के एंड पे डीटीएस के नाम पे डेली टेस्ट, वैसे बच्चों की मिडिल सेरेमनी, वैसे बच्चों की असेंबली, वो सारे सिस्टम जो एक कोचिंग लेवल पे सीएलसी करती है, क्योंकि दिमाग तो यही वहां काम कर रहा है। वहां मिस्टर बाजिया जी और भास्कर जी, दो व्यक्ति बहुत मेच्योरिटी के साथ स्कूल को डील करते हैं। दोनों व्यक्ति मेरे साथ लगभग 10 साल से काम कर रहे हैं। इनकी पूरी टीम है जो मिलके मुझे मेरी संस्था पे अभिमान करने का अवसर देते हैं कि मेरे ये दोनों साथी अपनी टीम के साथ, बच्चों के साथ काम करते हैं, एक एक बच्चे पे काम करते हैं। हम केवल टॉपर पे काम नहीं करते हैं, हम एवरेज बच्चे पे काम करके उसको टॉपर बनाने का प्रयास करते हैं। हर दिल सीएलसी, हर घर सीएलसी, उसी थीम पे हर दिल केवीएम, हर घर केवीएम की बात हम करते हैं। अगले सेशन के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, 15 जुलाई तक आप जानते हो एडमिशन चलेंगे, पर जितना जल्दी आप हो सके, क्योंकि रिजल्ट 10th और 12th सब के आ गए हैं, क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, बैच स्टार्ट हो चुके हैं, आज से लेके 15 जुलाई तक जितना जल्दी हो सके आप आके एडमिशन लें, ताकि आपको बेटर हॉस्टल मिल जाए या मकान लो तो आसपास अच्छा मकान मिल जाए। मैं संस्था के मुखिया के नाते आपको विश्वास दिला सकता हूं कि आप केवीएम की उंगली पकड़ते हैं तो सीकर की श्रेष्ठतम एजुकेशन, शिक्षा, सुरक्षा, संस्कार के साथ आपको सफलता दी जाएगी। केवीएम के बच्चे का बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि वो सीएलसी कैंपस के पास ही रहता है, तो वो पूरी साल सीएलसी के सिलेक्टेड बच्चों को देखता है कि कोई बच्चा आईटी टॉप कर रहा है, कोई बच्चा नीट टॉप कर रहा है, कोई एनडीए में जा रहा है, और दोस्तों सफल व्यक्ति को देखते हैं। तो मेरा तो बचपन मुझे याद है, सफल व्यक्ति को देख के सफलता पाने का जुनून पैदा होता है। ये गांव का श्रवण सीएलसी जो बना उसी की देन है कि बचपन में कुछ सफल लोगों देखा और ये मुट्ठी बंद करके खेत में बैठ के कसमें खाई थी कि एक दिन कोई पहचान अपनी बनाएंगे। वापिस चाहता हूं, अहंकार की बात नहीं कर रहा हूं, उस श्रवण की बात कर रहा हूं। ऐसे श्रवण आज हर गांव में, कस्बे में, शहर में बैठे हैं। श्रवण से श्रवण सीएलसी बनाने का सफर जो मैंने खुद जिया है, मैं हर उस लड़के को श्रवण से श्रवण सीएलसी, यानी एक सामान्य बच्चे को एक सफल बच्चा, एक सफल नागरिक बनाने का प्रोसेस पिछले 28 साल से दोस्तों ये काम कर रहा हूं मैं। मेरे जीवन के साथ भी मेरी संस्था है, मेरे जीवन के बाद भी मेरी संस्था है। उसका नाम सीएलसी भी है, उसका नाम केवीएम भी है, उसका नाम सीआईएस भी। आप सब जानते हैं सीकर में सीबीएसई का बहुत प्यारा स्कूल डेवलप किया हमने सीआईएस के नाम पे, जहां समर अपनी पूरी टीम के साथ काम करता है। तो दोस्तों, बातें बहुत की जा सकती हैं। रिजल्ट की टेबल आपने देखी, हमारे खुद के अपने हॉस्टल्स हैं, मतलब एक क्वालिटी एजुकेशन जो है ना वो केवीएम में दी जाती है, और एक अनुशासन के साथ। और ये बस रूट भी देख लें आप, सीकर के सीएलसी के 30 किलोमीटर के रेडियस में, ये आप आराम से देख ले, इन सभी गांवों से हमारी बस आएगी। ये मेरा कमिटमेंट है, इस हर रूट से हमारी बस आएगी। तो दोस्तों, आप बस से आ सकते हैं, सीकर आके मकान लेके रह सकते हैं। वैसे तो दोस्तों हमारी कुमकुम नाम की बच्ची, जिसके 10th का स्कोर 97 पॉइंट कुछ परसेंटेज आया है, वो रघुनाथगढ़ की पास की थी, फिर हॉस्टल में रही वो,
और अभी पलक भामू और कुमकुम जिन्होंने दोनों ने 97% स्कोर कर टेंथ करके अभी 11th में कुमकुम ने जेई ज्वाइन किया सीएलसी का, पलक ने नीट ज्वाइन किया, दोनों हॉस्टल में आ गई। अभिषेक जो 97% बच्चा है ये हमारे साथ यहीं था, आज वापस 11th नीट में एडमिशन ले लिया। तो ये बच्चे एक लंबा प्रोसेस है, ये 9th से जुड़ के 9, 10, 11, 12 देवराज हमारे पास 9th में आया था, 9, 10, 11, 12 हमारे साथ रहा और आज आपके सामने वो नीट में दोस्तों एक अच्छी रैंक के सेलेक्ट हो रहा है। जयंत हमारे साथ 11th 12th में आया, अच्छा रिजल्ट हमें दे रहा है। पीताम्बर हमारे पास 9th में आया, अच्छा रिजल्ट दे रहा है। संजय पूनिया हमारे पास 9th में आया, अच्छा रिजल्ट देकर आईटी दिल्ली में, ऐसे बहुत नाम ऐसा। दोस्तों इतनी बात कहूंगा, आपको अपने बच्चों को पढ़ाना है तो बेटर का जमाना नहीं है दोस्तों, जमाना बेस्ट का है और वो केवीएम है, वो सीएलसी है, वो 28 साल का एक अनुभव है जो आपसे बात कर रहा है। डियर फिर एक विश्वास दिला सकता हूं कि आपके बच्चे की मेहनत होगी और आपके बच्चे को जहां है उससे बहुत सारे कदम आगे लेके आएंगे। ये मेरी टीम पे मुझे विश्वास है, आपको मुझ पे विश्वास है और सबको विश्वास सीएलसी पर है। इस विश्वास का नाम है दोस्तों कि हमारे बच्चे बहुत आगे जाते हैं। तो एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, आप आए जुड़े केवीएम के साथ। और दोस्तों आप सब जानते हो आपकी सीएलसी के बारे में, जहां नीट और जेई और एनडीए सबकी कोचिंग होती है। एक होता प्री फाउंडेशन, यदि आपको 6, 7, 8, 9, 10 में स्कूलिंग के साथ साथ बच्चे को एक्स्ट्रा तैयारी भी करानी है तो आप ज्वाइन करा सकते हैं प्री फाउंडेशन भी। और प्री फाउंडेशन आप नहीं भी ज्वाइन कराएं तो एक हाउस में बात कह रहा हूं, केवीएम भी इस बार अपने 6, 7, 8, 9, 10 के बच्चों को सभी को ओलंपियाड के लिए, एसटीसी के लिए तैयार करेगी। एक रीजनिंग की, मेंटल एबिलिटी की एक्स्ट्रा क्लास बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज लिए हम केवीएम में देंगे। हमने एक अलग सपना पाला है कि केवीएम के बच्चे को भी वही व्यवस्था देंगे जो व्यवस्था कोचिंग में मिलती है प्री फाउंडेशन में। निश्चित रूप से हमारे दोनों सेपरेट विंग है, प्री फाउंडेशन भी है, स्कूल केवीएम भी है, या एक आपस में हमारा कॉम्पिटिशन है। हमारे नीलेश जी और बाजिया जी का एक आपस में कॉम्पिटिशन है कि बेटर कौन करे। दोस्तों हम किसी को पीछे छोड़ने काम करते ही नहीं है, हम केवल काम करते हैं अपने बीते हुए कल को पीछे छोड़ना में, हमें तो आने वाले कल में आगे जाना है। हमारी लड़ाई, हमारा कंपटीशन खुद से है। मेरा ऐसा मानना है कंपटीशन श्रेष्ठ से किया जाता है और हमें मानते हैं कि श्रेष्ठ सीएलसी है, श्रेष्ठ केवीएम है, तो हमें अपने आप को बीट करना है, हमें हमारे बीते हुए कल को आज हराना है। इसी जुनून के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। एक सबसे अहम बात जो मुझे आपसे डिस्कस करनी है, मेरे साथ खड़े हमारे बाजिया जी, बाजिया जी को साथ इससे खड़ा किया क्योंकि जब आप ऑफिस आएंगे तो आपकी मुलाकात इन्हीं से होनी है। दोस्तों प्रतिभाओं को तलाश कर तराशना हमारा पिछले 28 साल का एक जुनून है। यदि आपके 10th में अबाउ 95% है तो स्कूल हॉस्टल कंप्लीट फ्री है, और अबाउ 90% है तो आपका स्कूल फ्री है। तो आप जुड़े केवीएम के साथ अच्छी स्कूलिंग के लिए। आपका स्वागत है, नमस्कार।